हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको गुरु धन भाव फल, मतलब ये है कि जुपिटर इन सेकंड हाउस, ठीक है, धन भावगत गुरु क्या फल देगा, उसका पहले हम सैद्धांतिक पक्ष जान लेते हैं, थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं थोड़ा, ठीक है। ये पार्ट वन पार्ट टू दोनों में होगा, तो पार्ट वन देखने के बाद आपको पार्ट टू भी देखना पड़ेगा। ये मैंने नया काम दे दिया आपको, देखना तो देखना ही पड़ेगा, दूसरा काम है ना। जब तक भारत की जनता को काम ना बताओ कुछ तो मजा नहीं आता, कुछ ना कुछ काम देना पड़ता है ना यार, कि जैसे ये वाला मेरा जो मैसेज है सबको फॉरवर्ड करो, तो भारत की जनता करती है। तो वैसे मैं आपको एक नया काम दे रहा हूँ, ये वीडियो देखने के बाद मेरा दूसरा वीडियो देखना, काफी मजेदार बात है ना मेरी। गुरु धन भाव में, ठीक है, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भैया है, ठीक है, इसको नोट कर लो, कुंडली विश्लेषण के लिए संपर्क कर सकते हो आप इन नंबरों पर कभी भी, है ना, टाइम में। बृहस्पति के ये जो है कारकत्व है, और द्वती भाव में क्या क्या होगा, द्वती भाव क्या होता है, वाणी, धन, जीवा, जीवा का स्वाद, आंखों की सुंदरता, कुटुंब, मुख की आभा, प्राथमिक शिक्षा, खान पान, चेहरा, दांत, दाहिना नेत्र, जमा धन। देखो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा कारकत को ज्ञान सभी को नहीं है, ये बड़ी कठिन चीज़ है। बात गुरु की हो रही है, ज्ञानम गुरु, ठीक है, गुरु ज्ञान है। अब हम पॉइंट पे जाते हैं कि हमको कहाँ से आगे बढ़ना है, ठीक है। मैं आपको मूल सिद्धांत जानता हूँ भैया। देखो ऐसा है, सबको अपनी अपनी कुंडली से मतलब रहता है, जैसे मेष लग्न वाले को मेष लग्न से मतलब है, बाकी सी चीज़ से मतलब नहीं रहता। अब मेष लग्न में गुरु धन भाव में होगा, तो भैया मेष लग्न में गुरु क्या है, मेष लग्न में गुरु अच्छा फल देगा कि बुरा फल देगा, मेष लग्न की कुंडली में गुरु सैद्धांतिक रूप से अच्छा है या बुरा है, बस इसी बात का होगा। मैं पूरे पूरे फल थोड़ी बताऊंगा यार, नहीं तो मेरा पता नहीं एक जीबी का वीडियो बन जाएगा, ठीक है। अब ये गुरु यहाँ किसकी राशि में बैठा है, पहले तो शुक्र की राशि में बैठा है, और शुक्र और गुरु की नहीं पटती, शत्रु राशि है भैया, ठीक है, पहले ही नेगेटिव हो गया। अब गुरु क्या है यहाँ पे, गुरु यहाँ पे नवमेश है, और क्या है, द्वावैश है, बारह बारह भाव का सामने जो बुरा है, और ये बहुत पॉजिटिव है। अब गुरु, क्योंकि गुरु की सबसे पहले कौन सी राशि आती है, नौवीं राशि आती है, तो यहाँ क्या फल देगा गुरु, तो नौवें स्थान का, भाग्यस्थान का फल देगा, धर्म स्थान का फल देगा। तो ये कौन सा स्थान है, त्रिकोण स्थान है, केंद्रों में सबसे त्रिकोण स्थान कहलाता है नौवां स्थान, निश्चित रूप से अच्छा फल देगा। हाँ, शत्रु राशि में बैठा है तो फलों में कमी आ गई। अब ये आपकी समझ है यार कि इसके साथ शनि बैठ जाए, ठीक है, और यहाँ से गुरु को शनि देखने लगे, या फिर मंगल इसके साथ बैठ जाए, यहाँ से मंगल देखने लगे, या यहाँ से मंगल देखने लगे, तो भैया फलित अलग हो जाते हैं। यहाँ गुरु बैठ जाए यहाँ पे, ठीक है, या यहाँ से गुरु की राहु की दृष्टि हो जाए, यहाँ राहु बैठ जाए साथ में, तो चीज़ें बदलेगी फिर यार, जैसे यहाँ राहु बैठ जाए साथ में चीज़ें बदलेगी, तो इस तरीके से फलित बदलते हैं, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, सारा बताया भी नहीं जा सकता ना यार। तो हमने मेष लग्न का बताया कि मेष लग्न में गुरु अच्छा है, लेकिन याद रखना गुरु बारहवें भाव के भी फल देता है, और बारहवें भाव के मालिक का इस तरीके से यहाँ बैठना धन का व्यय कराता है, कई कामों में धन का व्यय कराता है, ठीक है। तो ये द्वादशेष का यहाँ बैठना धन के मामले में अच्छा नहीं है, वो भी शुक्र की शत्रु की राशि में बैठा है, ये बहुत पॉजिटिव नहीं है। लेकिन फाइनली चूंकि नवमेश के फल देगा सबसे पहले, तो ये शुभ है, इसका एक भाग बहुत शुभ है, और एक भाग बारहवा भाग नेगेटिव है, जो काफी खर्च करा देगा आपको, ठीक है। तो क्या हुआ शुभ हुआ, अब देखते हैं वृषभ लग्न की कुंडली में गुरु महाराज बैठे हैं बुध की राशि में, गुरु से संबंध कैसे हैं, बुध के सम है, ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, इसका मतलब कोई बहुत अच्छे रिजल्ट देने की स्थिति में गुरु नहीं है। और गुरु क्या है इस कुंडली में, वृषभ लग्न की कुंडली में गुरु अष्टमेश होकर सबसे बुरे हैं, गड्ढा, और ये उपचय है, उपचय को लाभ भाव, जनरली लोग लाभ भाव समझते हैं, और ये बड़ा पॉजिटिव है भैया, ये उपचय है, ये तिष्ठाय को कभी भी अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है ना। तो लेकिन और भावों की तुलना में ये तिष्ठाय बहुत खराब हो जाता है, तो बहुत तकलीफ देता है, सबसे ताकतवर भाव होता है ग्यारहवा भाव। अब इसका स्वामी धन भाव में बैठा, तो लाभेश का धन में बैठना ये योग कारक माना जाता है, तो काफी पॉजिटिव हो गया, बैठा भी बुध की राशि में, तो कोई बुरा नहीं है। लेकिन अष्टमेश का धन भाव में जाना वाणी के लिए कुछ दोष दे सकता है, आपके कुटुंब में कोई विवाद करा सकता है, आपको विरासत का कोई धन दे सकता है, गुरु महाराज की विरासत में दृष्टि है, ठीक है, और गुरु महाराज की यहाँ से लड़ाई झगड़ा बीमारी में दृष्टि है,
और तो और गुरु महाराज की यहाँ से काम धंधे में दृष्टि है, तो आपके ये क्या कर सकता है, काम धंधे में हर्डल पैदा कर सकता है दृष्टि देख के, ठीक है, और विरासत का कोई धन प्राप्त कर सकता है, कोई हर्डल बाधा खड़े करने की ताकत इस गुरु महाराज की है। लेकिन फाइनली सिद्धांत बोलता है कि लाभेश का धन भाव में बैठना अच्छी बात है, योग कार्य है, ये धन योग बनाता है, पॉजिटिव बात। मिथुन लगन की कुंडली, मिथुन लगन की कुंडली में गुरु महाराज होते हैं 12वें और 7वें, सॉरी 10वें और 7वें, दोनों केंद्र के मालिक, केंद्र का दोष लगेगा, लेकिन गुरु महाराज तो केंद्र में बैठे ही नहीं है, गुरु महाराज तो उच्च के हो गए यहाँ पे, धन के होके मित्र राशि में बैठे हैं, और अपने से यहाँ पंचम बैठे हैं, और अपने से पत्नी स्थान से 8वें बैठे हैं, तो कार्य क्षेत्र में ये तो गुरु आपको बहुत पॉजिटिव देगा, काम धंधे के लिए धंधाई है, ठीक है, बहुत अच्छा है, कोई इसमें नेगेटिविटी नहीं दिखती है। गुरु की दृष्टि कहाँ है, यहाँ 5वें में, फिर 8वें में और काम धंधे में। तो ये गुरु किसके लिए नेगेटिव हो सकता है, ये देखिए, पत्नी स्थान से 8वें बैठे हैं, ठीक है, पत्नी स्थान से 8वें बैठे हैं, तो ये वैवाहिक जीवन के मामले में कलहपूर्ण स्थिति हो सकती है। चक्कर मत पड़ना कि गुरु, उच्च का गुरु हर एक मामले में पॉजिटिव होता है, काम धंधे के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन पार्टनर के मामले में ठीक नहीं है, ये नुकसानदेह हो सकता है। कुटुंब में धंधाई व्यवस्था हो सकती है, आपकी वाणी बहुत मधुर हो सकती है, बोलने में बहुत शक्कर मीठे हो सकते हो, बहुत अच्छी वाणी आप बोल सकते हो। धन भाव का गुरु जिसका हो उसकी वाणी बड़ी मधुर होती है, बहुत ज्ञान की बात करता है ऐसा व्यक्ति, ठीक है। अब आगे बढ़े बढ़ा जाए, चलो भैया, कर्क लगन वाले, कर्क लगन वाले के लिए धन भाव में गुरु, कर्क लगन वाले के लिए गुरु क्या होते हैं, सस्टेस होके रोग ऋण बीमारी के मालिक, उपक्षय प्रतियोगिता के मालिक, समस्त प्रकार का कोर्ट कचहरी न्याय प्रतियोगिता, जीवन की प्रतियोगिता, और ये भाग्येश नवम त्रिकोण सबसे बली त्रिकोण के मालिक। तो सबसे पहले राशि 3 की मूल त्रिकोण आई भैया, देंगे तो ये क्या फल देंगे, छठे स्थान के ज्यादा फल देंगे, ठीक है, और छठे छठे स्थान का मालिक का धन भाव में जाना ये बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन मित्र की राशि में बैठे हैं, इनके मित्र की भी स्टडी की जाएगी के कहाँ हैं, ठीक है, तो कुल मिला के छठे भाव के मालिक का यहाँ जाना बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन वो मित्र की राशि में बैठे हैं, अच्छे हैं, और तो और अपने से 9वें बैठे हैं, 1 2 3 4 5, हाँ, पिता के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि पिता स्थान से कहाँ गए, धर्म स्थान के लिए छठे गए हैं, तो पिता के लिए बहुत अच्छे नहीं है, कर्म के क्षेत्र में अच्छे नहीं है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट के लिए अच्छे नहीं है, कोई लंबी यात्रा के मामले में ठीक नहीं है, ये धार्मिक यात्रा के लिए ठीक नहीं है, लेकिन ये क्षेत्र में ये वाला जो रोग ऋण बीमारी वाला भाव है इसके लिए ठीक है, क्योंकि अपने से 9वें गए, धन दे सकते हैं भैया, अचानक आपको काम धंधे से मेहनत से संघर्ष से धन प्राप्त हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये मित्र राशि में नहीं जाते तो सस्टेज का धन भाव में बैठना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वो मित्र राशि में गए हैं और भाग्येश होके भी आए हैं, और एक सूत्र बोलता है कि भाग्येश का नवम का धन में जाना धन योग बनाता है, तो ये धनकारी है, ठीक है, धन देने वाले हैं, तो मैं इसको अच्छा मानूंगा। आप चलते हैं सिंह लगन की कुंडली के लिए, सिंह लगन के लिए कुंडली के लिए गुरु महाराज पंचमेश हो जाते हैं, त्रिकोण राशि है इनकी मूल त्रिकोण राशि, ये काफी शुभ हो गए, और दूसरा भाव इनका अष्टमेश है जो बहुत बुरा है, तो सबसे पहले मैं आनूंगा कि पंचम के ज्यादा फल देंगे, तो पंचमेश का धन में बैठना वो भी सम राशि में बुध की राशि, ये अच्छा शुभ है, कोई बुरा बात नहीं कह सकते, और गुरु महाराज जो देखते हैं अपनी राशि को देखते हैं तो ठीक है, इस भाव के जो बल ताकत है इसके भाव को भी शुभ बनाते हैं, ठीक है, तो यदि कोई ग्रह अपने घर को ही देखे तो अच्छा करता है, उस घर की ताकत बढ़ाता है, तो इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि सिंह लगन वाले जातकों के लिए गुरु महाराज अच्छे हैं, ठीक है। देखो ये बताते हैं कि संतान की प्रगति, संतान की जो तरक्की है, संतान से धन है ना, ये सब पॉजिटिव बात है कुल मिला के। अब चलते हैं कन्या लगन वाले, कन्या लगन के लिए गुरु महाराज केंद्र के दोषी हो गए, 4थे और 7वें के मालिक, केंद्र का दोष लग गया, लेकिन गुरु महाराज केंद्र में बैठे ही नहीं है तो केंद्र का दोष कम लगा, ठीक है, और चतुर्थेश का धन भाव में जाना अच्छा है, लेकिन गुरु महाराज शत्रु राशि में बैठे हैं तो थोड़े से उनके फलों में कमी आ गई, और पत्नी के लिए पत्नी के भाव से 8वें बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, तो वैवाहिक जीवन में इस गुरु के कारण तकलीफ हो सकती है संबंधित गुरु की दशा अंतर दशा में, ठीक है।
बाकी इनकी जो दृष्टि है, एक पांचवी दृष्टि छठे भाव में और आठवीं, तो इनकी जो दृष्टि है, देखिए जब भी गुरु धन भाव में बैठते हैं तो उनकी दृष्टि एक दृष्टि को रोग ऋण बीमारी में जाती है और एक दृष्टि आठवें भाव में जाती है। तो ये जो आठवें और छठे भाव की दृष्टि सभी लग्न वालों के लिए ये घातक हो सकती है, नुकसानदेह हो सकती है। ठीक है, अब चलते हैं साहब तुला लग्न की कुंडली। तुला लग्न की कुंडली वालों के लिए गुरु तृतीय और षष्ठेश है, बहुत बुरे। तुला लग्न की कुंडली वालों को पुखराज कभी नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, अब गुरु महाराज कहाँ बैठे हैं, अपने से बाहर भी चले गए हैं, यहाँ से देखिए गुरु अपने से बाहर ठीक नहीं है, लेकिन मित्र की राशि में बैठे हैं, मंगल की राशि में बैठे हैं, तो बहुत बुरा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी ये षष्ठेश का इस तरीके से यहाँ जाना ये धन के मामले में बाधाकारी हो सकता है, भले ही मित्र राशि में है, और ये पराक्रम भाव का मालिक यहाँ से डबल अपने में चला गया, तो ये बहुत अच्छा नहीं हो सकता। छोटे भाइयों के मामले में अच्छा नहीं हो सकता, कुटुंब का व्यय हो गया ना, ये अच्छा नहीं, पॉजिटिव नहीं हो सकता, ये बहुत पॉजिटिव नहीं है। और ये दोनों प्लानेट खराब है, छठे और आठवें के मालिक। भैया कई बार क्या होता है कि जब छठे का मालिक धन भाव में जाता है तो ये धन के मामले में तकलीफ देता है, मैं गंदे शब्दों का इस्तेमाल कम करता हूँ, यानी उससे क्या लोग डरने लगते हैं। मेरा काम ज्योतिष में पॉजिटिव काम करना है, लोगों को डराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, डराने वाली ज्योतिष है ही नहीं यहाँ पे। वृश्चिक लग्न में मंगल, ये भैया बारहवें पंचमेश का मालिक हो गए, पंचमेश और हो गए धनेश। अब कोई भी ग्रह घर अपने गुरु गुरु अपने खुद के घर में बैठे हैं। अभी बात चल रही थी एक वीडियो में, कार को भाव ना चाहे, क्या गुरु इस भाव के फलों में कमी करेंगे? तो मैं ऐसा मानता हूं कि यदि बहुत पीड़ित होंगे तो कमी करेंगे, हो सकता है इनके साथ और कोई पापी ग्रह बैठ जाए, शनि की दृष्टि हो, मंगल की दृष्टि हो, तो हो सकता है कि वो ऐसा करें। अदरवाइज कोई भी ग्रह अपने घर में बैठता है तो अच्छा माना जाता है, अपनी राशि के बैठे हैं तो अच्छा होगा। और ये संतान वाला पंचमेश यदि धन भाव में जाता है तो ये संतान के लिए भी अच्छा है और इस भाव के लिए भी अच्छा है। तो वृश्चिक लग्न के लिए धनेश गुरु मार्केश भी हो जाता है और पंचमेश भी होके शुभ है, कोई बुरा नहीं है, तो हम शुभ मानेंगे इसको। धनु राशि वालों, धनु राशि वालों, धनु राशि जो होती है, धनु राशि सॉरी धनु लग्न, जहां पे भी धनु मैं बोल रहा हूँ धोखे से, धनु राशि व धनु लग्न मानना, ये लिख दिया यार मैंने, भूल चूक लेने देने वाली बात भी नहीं होगी, लिखा पढ़ लो यार, गलती से बोल दे तो क्या करोगे। ये हो गए चौथे भाव का स्वामी, ठीक है, और महाराज हो गए लग्नेश। तो भाई लग्नेश को कोई दोष नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन जब लग्नेश नीच का हो जाए तो भैया ये तो आपका शरीर स्थान का स्वामी कमजोर हो गया, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये जो है शनि गुरु शनि को सम मानते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ तो नीच के हो गए, तो ये गुरु अच्छा नहीं माना चाहेगा निश्चित रूप से। और इस तरीके से ये यहाँ पे चतुर्थेश का यहाँ पे नीच का होना, आपके भवन का घर का सुख का वहां कुटुंब में जाके नीच का होना, तो ऐसे व्यक्तियों को तो हमने कई बार देखा है कि यार घर के लाले पड़ जाते हैं, घर ही नहीं रहता, घर का कोई विवाद पड़ने लगता है। देखो घर का स्वामी यहाँ बैठ के कहाँ देख रहा है, कोर्ट कचहरी को देख रहा है। कई लोगों के घर नहीं मिलते, घर नहीं बना पाते, कोर्ट या घर कोर्ट कचहरी विवाद में चलते रहते हैं, तो ऐसे तकलीफ का सामना पड़ना पड़ता है। अब गुरु यहाँ होने से उसकी वाणी भी गंदी होती है, लेकिन सीएस पटेल साहब ने बोले हैं कि ये गुरु यदि मकर राशि का भी हो लेकिन वो कर्क राशि में नीच का हो, तो D1 में D9 चार्ट में नीच का उच्च कर्क राशि में होके, यदि ये गुरु 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक, यदि ये गुरु 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक अंशों में, ठीक है, 20 अंश से 23 20 का हो तो D9 में उच्च का हो जाएगा। और यदि ये गुरु अष्टम भाव में D8 कुंडली में अष्टम भाव में ना जाए तो ये गुरु भी अच्छे फल देगा, जातक मीठी वाणी बोलेगा। ये स्पेशल बात बताई है सीएस पटेल साहब ने, देव केरलम से बताई है। ठीक है, तो कुल मिला के वो तो बात की बात है, लेकिन हमको नहीं पता किसका गुरु कैसा क्या है। 20 डिग्री से 23 20 अंश वाले लोगों के लिए शुभ हो सकता है, अच्छी व्यवस्था हो सकती है उनके लिए, अच्छा घर हो सकता है। ये नीच का गुरु भी उच्च के फल देगा उनके लिए। ठीक है, यही बात मैंने कर्क लग्न वालों को बताना मैं भूल चुका हूं, तो दोहरा देता हूं एक बार।
कर्क लग्न वाले जो जातक है, नहीं भाई कर्क लगन में तो नहीं, मिथुन लगन आएगी इसका। मिथुन लगन वाले जो जातक है, ये गुरु यहाँ भले ही उच्च का हो, लेकिन हो सकता हो कि आपकी कुंडली में 20 डिग्री से लेके 23 डिग्री का हो, तो ये D9 में जाके नीच का हो गया, तो ये क्या फल देगा? बहुत खराब फल देगा यार, ठीक है, बहुत खराब फल देगा। आपको दिख रहा भले उच्च का, लेकिन बहुत खराब फल देगा। कहाँ पहुंच गए थे हम? धनु लग्न तक पहुंच गए थे, अब पहुंचते हैं मकर लग्न में। मकर लग्न वालों के लिए गुरु शनि की राशि में बैठा सम है और 9 और 12 का मालिक है। देखिए द्वादशेश का धन में बैठना, ये विदेश मामले से जो धन कमाते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन आम आदमी के लिए ठीक नहीं है, ये धन की हानि करवाता है, ठीक है। और ये पुनः स्थिति बन गई कि तृतीय का अपने से बार बार जाना ये अच्छा नहीं कहलाता। इसके लिए कोई बहुत पॉजिटिव बात मैं नहीं कहूँगा, ये बहुत पॉजिटिव नहीं है। कुंभ किस कुंभ में कुंभ लगन में गुरु पॉजिटिव नहीं है, और ना पुखराज पहनना भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों को। कुंभ लगन वालों, कुंभ लगन के लिए गुरु उपचय के मालिक हो गए, ठीक है, और यहाँ मालिक हो गए। तो लाभेश का धन भाव में बैठना धन योग बनाता है, और तो और गुरु महाराज अपनी राशि में बैठ गए हैं, तो इसको हम काफी पॉजिटिव बात मानेंगे, ठीक है। ये धन देने वाली व्यवस्था हो गई है, तो काफी कुंभ लग्न के लिए गुरु पॉजिटिव हो गए हैं। मीन लग्न की कुंडली में गुरु मित्र राशि में बैठे, मंगल महाराज की राशि में, और क्या कहलाते हैं गुरु महाराज? यहाँ पे नवमेश, दशमेश और लग्नेश कहलाते हैं। तो ये दशमेश का अपने से पंचम जाना और लग्नेश का धन में जाना, ये बहुत अच्छे संकेत है, ठीक है। तो गुरु यहाँ अच्छे रिजल्ट देने की पूरी चांसेस है गुरु महाराज के। तो ये मेरा विश्लेषण हुआ आपको मेरे। अब मैं ये बताऊंगा आपको कि धन भाव में गुरु को शास्त्रीय मत क्या है, किसी का धन भाव में गुरु हो तो शास्त्रों ने क्या मत बोला है, उसके लिए मेरे को आपको देख देख के किताबों से पढ़ के बताना पड़ता है। इसके लिए मैं पार्ट 2 बताऊंगा, क्योंकि ये जो वीडियो है लगभग 17-18 मिनट का बन चुका है, ठीक है। तो ज्ञानम गुरु अपना, मैं ज्ञान यहाँ बंद करता हूँ। और यदि आप मेरे चैनल को पसंद करते हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो, क्योंकि इसके लिए कोई पैसे वैसे नहीं लगते, ये सब निःशुल्क व्यवस्था है यूट्यूब की, है ना। बाद में यूट्यूब भी पैसे मांगने लगेगा तो फिर देखेंगे, सोचेंगे यार, फिर बोलेंगे नहीं आपको कि लाइक करना कमेंट करना शेयर करना, है ना। तो यही हमारा दक्षिणा है, और धन्यवाद बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मैं अपना धनभाव का गुरु सैद्धांतिक पार्ट इसका जो है, इसको मैं चाहता हूँ कि यहीं पे एंड करूँ। उम्मीद है कि ये मेरा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो तारीफ करने में क्या जाता है, तो तारीफ कर दिया करो, है ना। कुछ लिख दोगे, अच्छा बनाया सर वीडियो, खराब बनाया, दो जो इच्छा हो लिख दिया करो यार, लेकिन लिखा जरूर करो थोड़ा बहुत। हरे कृष्णा बोल के रखता हूँ।